हेलो ऑटो फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो एंड गेट रेडी टू डाइव इनटू द ऑटोमोबाइल नॉलेज ओशियन। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। शेवले को इंडिया से गए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन इस अमेरिकन कार मेकर ने कुछ ऐसी बेस्ट कार इंट्रोड्यूस करी थी जिसे इंडियंस आज भी जानते हैं, जैसे शेवी क्रूज, बीट, टवेरा और भी बहुत सी कार्स। तो आज इस वीडियो में हम शेवले बीट की बात ही करेंगे और जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो शेवले की बीट उस टाइम इंडिया में आई थी जब इंडिया में ये कॉम्पैक्ट एसयूवी की हाइप आई भी नहीं थी। उस टाइम तो हैचबैक का जमाना था और ज़्यादातर कस्टमर्स हैचबैक सेगमेंट में ही अपनी कार बाय करना चाहते थे और गाड़ियां जैसे मारुति स्विफ्ट ऐसे बिक रही थी उस टाइम की पूछो ही मत। तो शेवले बीट इंडिया में 2010 में लॉन्च हुई थी और इससे पहले शेवले इंडिया का पोर्टफोलियो कुछ ज़्यादा खास नहीं था। तो इस शैवी की हैचबैक के आने के बाद थोड़ा शेवले इंडिया को सहारा मिला इंडियन मार्केट में, बल्कि बीट ने शेवले को सहारा ही नहीं दिया, बल्कि बीट एक ऐसी कार निकल कर आई इंडियन मार्केट में जो कि सबसे सक्सेसफुल कार थी। जनरल मोटर्स की ऐसी बहुत सी कार्स हैं जो रीबैच मॉडल होकर बिकती हैं और काफ़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ जनरल मोटर्स की अलायंसेस है पूरी दुनिया में, और शेवले बीट भी उन कार्स में से एक कार है। और शेवले बीट का ओरिजिन जानना काफ़ी ट्रिकी है, इसलिए ही वो भी खासकर जब इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, क्योंकि बीट जिस कार का सक्सेसर है वो दूसरे नाम से सोल्ड होती है इंडिया में और बल्कि दूसरे ब्रांड के अंदर, और बीट खुद दूसरे नाम से बेची जाती है इंटरनेशनल मार्केट में और उसी नाम की एक डिफरेंट कार पहले से है इंडिया के अंदर। तो हो गए ना थोड़े कन्फ्यूज़। वैसे थोड़ा और आगे जानने से पहले बीट के बारे में तो आपको बता दूँ, शेवले बीट डाइवू मैटिस का ही सक्सेसर है और ये वीडियो उसका ही नेक्स्ट पार्ट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो डाइवू मैटिस वाली वीडियो देखें और फिर ये, जिसका लिंक राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप में से बहुत से लोग उस क्यूट लिटिल हैचबैक को जानते होंगे जो 1998 में आई थी। हाँ जी, डाइवू मैटिस। और जब जनरल मोटर्स ने डाइवू कंपनी को खरीद लिया तो ये इंटरनेशनल मार्केट में शेवले मैटिस नाम से जाने जाने लगी। और सेकंड जनरेशन जो थी शेवले मैटिस की, वो एक्चुअली सेम कार थी जो हम इंडिया में मिलती थी शेवले स्पार्क नाम से 2007 में। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जो कार हमें शेवले बीट नाम से मिली इंडिया के अंदर, वही कार अमेरिका और लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में शेवले स्पार्क नाम से बेची जाती थी और उसी कार को साउथ कोरियन मार्केट्स में डाइवू मैटिस क्रिएटिव नाम से बेचा गया। तो ये तीनों नाम मैटिस, स्पार्क और बीट सब इंटररिलेटेड हैं एक दूसरे से, और सही मायनों में शेवले बीट थर्ड जनरेशन है डाइवू मैटिस की। तो शेवले बीट की शुरुआत कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत हुई हॉलीवुड मूवी फ्रेंचाइजी ट्रांसफॉर्मर से। सबसे पहले शेवले बीट का कॉन्सेप्ट 2009 की ट्रांसफॉर्मर मूवी रिवेंज ऑफ द फॉलन में दिखाया गया था, और जिसमें इस शेवले बीट का करेक्टर का नाम था स्किड्स मूवी के अंदर। और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये थी कि बीट का कॉन्सेप्ट से लेकर इसके प्रोडक्शन वर्जन तक ये काफ़ी कुछ सिमिलर ही थी अपने कॉन्सेप्ट वर्जन से, जैसे इसके अपीलिंग डिज़ाइन करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम ही थे जैसे कॉन्सेप्ट कार में थे। इसका वही सेम कॉम्पैक्ट हैचबैक डिज़ाइन था जैसे इसके कॉन्सेप्ट कार में शोकेस करा गया था, वैसे ही ये सक्सेसर ही था शेवले स्पार्क जो इंडिया में थी उसका। लेकिन बीट वो प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करती थी जो शेवी की पुरानी हैचबैक शेयर करती थी। शेवले बीट ऑल न्यू जनरल मोटर्स ग्लोबल व्हीकल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी और इस प्लेटफॉर्म की वजह से इसमें मजबूत मटेरियल्स का इस्तेमाल करा गया था और बीट की इसलिए ही हाई ग्रेड बिल्ड क्वालिटी थी जो उस टाइम पर मिल रही हमारी कंट्री में हैचबैक की नहीं हुआ करती थी। इसकी बॉडी पैनल से लेकर इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी जो इंटीरियर में यूज़ हुई थी वो सब टॉप नॉच थी, जो इस सेगमेंट की कार के लिए बहुत खूब चीज़ थी। बीट लुक लाइक नथिंग एल्स इन द मार्केट। बीट जो कार थी बिल्कुल हटकर लगती थी अपने सेगमेंट में उस टाइम पर इंडिया के अंदर। इसका कॉम्पैक्ट टॉल बॉय प्रोपोर्शन और स्ट्रॉन्ग लाइंस एंड बल्जेस इसको एक अलग ही स्पोर्टी लुक्स देते थे, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो आज मॉडर्न कार यूज़ कर रही हैं, लाइक इसका रियर डोर हैंडल जो सी पिलर के पास होता है, जो इसको रोड पर एक अलग ही पहचान देता है, जिसे आज की लेटेस्ट जनरेशन स्विफ्ट भी वैसे ही डोर हैंडल का इस्तेमाल करने लगी हैं। और इसके इंटीरियर की बात करें तो बीट का इंटीरियर आज की हैचबैक के साथ भी कंपेयर करा जा सकता है, जबकि इसको लॉन्च हुए पूरे 10 साल हो गए हैं। जब भी सबसे हटके दिखता है, जैसे इसका मोटरसाइकिल इंस्पायर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेल लेड आउट सेंटर कंसोल,
इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम, ये सब चीज़ें बीट को एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देती हैं अंदर से, और इतनी कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी ये काफ़ी स्पेशियस भी है अंदर से, और अच्छा खासा लेग रूम भी मिल ही जाता है रियर पैसेंजर्स को। 2010 शेवले बीट पेट्रोल। शेवले बीट जब लॉन्च हुई थी फर्स्ट टाइम तो ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आई थी सिर्फ, और ये इंजन प्रोड्यूस करता था 80.5 हॉर्स पावर एंड 108 न्यूटन मीटर की टॉर्क, और इसके कंपेयर में स्विफ्ट की बात करें तो वो 87 हॉर्स पावर और 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। ये उतनी फन टू ड्राइव तो नहीं थी जितनी स्विफ्ट थी, लेकिन फिर भी इसकी मोटर काफ़ी पैपी थी, सिटीज़ में काफ़ी आसानी से चलती थी। 2011 शेवले बीट डीजल। फिर 25 जुलाई 2011 को जनरल मोटर्स ने शेवले बीट का डीजल वर्जन लॉन्च कर दिया इंडियन मार्केट में, और डीजल वर्जन सिर्फ इंडिया में ही आता था। इसमें 3 सिलेंडर का 936 सीसी का टर्बोचार्ज डीजल इंजन था जो प्रोड्यूस करता था 56 हॉर्स पावर और 142 न्यूटन मीटर की टॉर्क, जिसकी वजह से इसे अच्छा एक्सेलरेशन और पिकअप मिलता था। ये 1 लीटर का डीजल इंजन 0 से 100 की स्पीड 16 सेकंड में अचीव कर लेता था, और इसकी टॉप स्पीड थी 142 किलोमीटर पर आर की, और शेवले बीट क्लास लीडिंग ARAI सर्टिफाइड 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज प्रोवाइड करती थी, और ये इंजन फिएट के मशहूर मल्टीजेट डीजल इंजन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड था, और इसके पेट्रोल इंजन पर ही बेस्ड इसका LPG वर्जन भी आता था, और जनरल मोटर्स इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी डेवलप करने के प्लान में थी, जिसे ग्लोबली शेवले स्पार्क ही बुलाया जाता और इंडिया में बीट, और ये वो रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी के साथ मिलकर करते, लेकिन वो चीज़ कामयाब नहीं हुई क्योंकि रेवा को महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने ले लिया, और फिर शेवले ने अपना खुद का इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार करा बीट का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एग्जिस्ट भी करता है। 2011 में ही जनरल मोटर्स ने शेवले बीट का इलेक्ट्रिक वर्जन डेवलप कर लिया था, जिसे ग्लोबली शेवले स्पार्क EV कहा गया। ये EV सिर्फ लिमिटेड नंबर्स में ही सोल्ड हुई सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में अमेरिका की। इसके अलावा भी शेवले की बीट को लेकर काफ़ी प्लान्स थे, लेकिन इतने वो एग्जीक्यूट होते इतने में शेवले इंडिया से चली गई। बीट सिडान। बीट पर ही बेस्ड एक फोर डोर सिडान वर्जन भी अनवील्ड हुआ था 2016 ऑटो एक्सपो में शेवले एसेंसिया नाम से, जो कि एक नियर प्रोडक्शन प्रोटोटाइप ही था, लेकिन जब जनरल मोटर्स ने डोमेस्टिक सेल्स बंद कर दी 2017 में तो एसेंसिया सेडान का प्लान भी कैंसिल ही हो गया इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाने लगा लैटिन अमेरिका में, या तो पूरा फिनिश्ड फॉर्म में या फिर नॉकडाउन किट्स के रूप में। स्पार्क बीट एक्टिव। ऐसे ही एक क्रॉसओवर स्टाइल वर्जन भी अवेलेबल है साउथ अमेरिका में, शेवले स्पार्क GT एक्टिव या फिर शेवले बीट एक्टिव नाम से। ये कॉन्सेप्ट वर्जन 2016 ऑटो एक्सपो में ही शोकेस हुआ था इंडिया में, लेकिन प्रोडक्शन वर्जन कभी सोल्ड नहीं हो पाया इंडिया के अंदर, क्योंकि शेवले ही जब इंडिया से चली गई थी, लेकिन इसका प्रोडक्शन वर्जन आज कई लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में अवेलेबल है, जो 2018 से सोल्ड होने लगे थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दूं आपको, क्योंकि आप ऑटो फिक्शन पर हो, तो शेवले ने अपनी बीट को स्पेशली डोमिनोज के लिए भी बनाया था उनकी पिज़्ज़ा डिलीवरी कार के तौर पर, जिसमें फ्रंट और रियर पैसेंजर सीट को हटाकर 80 पिज़्ज़ास, सोडा बोटल्स और डिपिंग सॉसेस रखने का स्पेस था, और रियर पैसेंजर डोर की जगह एक माइक्रोवेव या ओवन था जिसे सिर्फ कार की से अनलॉक करा जा सकता था। तो है ना कितनी रेयर चीज़, एक डोमिनोज की खुद की पर्सनल डिलीवरी कार जिस पर डोमिनोज का लोगो था, ना कि शेवले का लोगो, और डोमिनोज की पेंट स्कीम के साथ ही अवेलेबल थी, और इसकी सिर्फ लिमिटेड 200 यूनिट्स ही बनाई गई थी। वैसे तो इसकी 4th जनरेशन आ चुकी है ग्लोबल मार्केट में, जो कुछ इस तरह दिखती है, जो अब साउथ कोरिया में असेंबल करी जाती है, जिसमें 1 लीटर और 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन मिलते हैं, लेकिन अपनी तो वही 3rd जनरेशन फेवरेट है जो ट्रांसफॉर्मर मूवी में दिखाई गई थी। तो जब 2017 में जनरल मोटर्स ने डिसाइड करा कि वो अब शेवले की कार्स और नहीं बेच सकते इंडिया में, और अपनी हलोल गुजरात वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी दे दी साइक मोटर्स को, जो आज मोरिस गैराजेस के अंडर है यानी MG मोटर्स के, उसके साथ ही ये ट्रांसफॉर्मर कार बीट भी डिसकंटिन्यू हो गई इंडिया से, और जो बाकी स्टॉक बचा था उस टाइम डीलरशिप पर, उन्हें काफ़ी भारी डिस्काउंट के साथ बेचा गया, लगभग 1.15 लाख तक का डिस्काउंट था। शेवले अभी भी अपनी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसे महिंद्रा संभालती है, और अभी तक शेवले अपनी नेक्स्ट जेन बीट मैन्युफैक्चर करता आया है अपने टेलगांव प्लांट में, जो महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन रिसेंटली वो प्लांट भी अब एक और चाइनीज कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स को हैंडओवर कर दिया है जनरल मोटर्स ने,
लेकिन नेक्स्ट जेन बीट अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में बिकती है शेवरले स्पार्क नाम से। और किसी पर शेवरले बीट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें, जिसका हैंडल नीचे शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है, क्योंकि मैं वो खरीदना चाहता हूँ। तो यही थी अपनी शेवी बीट की दास्तां। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।